वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएस यात्रा में। आज हम जानेंगे नए सोलर पैनल डिज़ाइन के विषय में, जो कि 10 से 10 गुना अधिक सौर ऊर्जा पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, आप कहेंगे ये हमारे यूपीएससी या आईएएस की तैयारी से रिलेटेड कैसे है, तो वो अभी आप वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे रिलेटेड है। कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि आपसे यूपीएससी सीएससी में पूछे जा सकते हैं। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड है ये मेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स को पास करना जितना ज़रूरी है, इस वीडियो को भी देखना उतना ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर। मेरा नाम आशीष है और सूर्य प्रकाश का अवशोषण सौर सेल तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए नैनो फोटोनिक संरचनाएं उनकी क्षमता में सुधार करने को लेकर एक बहुत अच्छी तकनीक के रूप में उभरी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद कर लेना ज़रूरी है, नैनो फोटोनिक संरचना जो कि सौर सेल तकनीक से जुड़ी हुई है और उसके सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने से जुड़ी हुई है, ये किस तरह कारगर है वो भी हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो उनकी क्षमता है उसमें सुधार को लेकर एक बहुत अच्छी तकनीक के रूप में उभरी है ये। और एक नए अध्ययन में कहा गया है कि चेकरबोर्ड लाइनों में सौर पैनलों को डिज़ाइन करने से उनकी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता 125% तक बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स हैं वो आप याद रखिए, आगे आने वाले वक्त में इसी वीडियो में इनको हम जानेंगे कि ये क्या क्या हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि पतले, हल्के और अधिक लचीले सौर पैनलों का उत्पादन अधिक हो सकता है और जिनका उपयोग अधिक घरों को बिजली देने में किया जा सकता है। यह अध्ययन यॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में लिस्बन के नोवा विश्वविद्यालय की साझेदारी में आयोजित किया गया है। विश्वविद्यालय के नाम याद करना आपके लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अध्ययन में जांचा गया है कि सोलर पैनल में सूर्य के प्रकाश के अवशोषण पर अलग अलग सतह के डिज़ाइन ने किस तरह प्रभाव डाला है, और यह ऑप्टिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे नैनो फोटोनिक टेक्नोलॉजी संरचना, चेकरबोर्ड लाइन, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और हल्के पतले सोलर पैनल किस तरह उपयोगी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उपयोगी हैं या नहीं है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कई बच्चे इसको नज़रअंदाज कर देंगे और कई इंस्टीट्यूट भी इस तरह के, कई चैनल्स भी इस तरह के वीडियो लेके नहीं आएंगे, उनको लगेगा कि इसमें क्या है, ये किस तरह से लिंक है यूपीएससी से या यूपीएससी के प्रिलिम्स पेपर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल लिंक है यूपीएससी सीएससी जो 2021 या किसी भी यूपीएससी प्रिलिम्स के पेपर या एग्ज़ाम से, ये लिंक है बिल्कुल और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चेकरबोर्ड डिज़ाइन के से प्रकाश के फैलने में सुधार हुआ है, और जिसने प्रकाश के अधिक अवशोषित होने की संभावना को बढ़ाया है। तो चेकरबोर्ड डिज़ाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है, और अवशोषित प्रकाश से ही बिजली बनती है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र लगातार हल्के पदार्थों में सोलर सेल के प्रकाश अवशोषण को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहा है। इनका उपयोग छत की टाइलों से लेकर नाव और अलग अलग जगह लगे उपकरणों तक के लिए उत्पादों में किया जा सकता है। सोलर ग्रेड सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जा सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए पतले सेल बनाने और सतह के डिज़ाइन को बदलने से उन्हें सस्ता और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम में, सीएससी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, और उसी से जुड़ा हुआ है, ये बेहद ज़रूरी है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, टर्म्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। भौतिक विभाग से डॉक्टर क्रिश्चियन शुस्टर ने कहा, हमने पतले सोलर पैनल के प्रकाश अवशोषण को बढ़ाने के लिए एक सरल तकनीक बनाई है। हमारे अधिक परिष्कृत डिज़ाइनों ने प्रकाश अवशोषण को बढ़ाया है, गहरे पैनल अधिक प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ये जानकारी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है।
समतल संरचना के पैनल कम प्रकाश अवशोषित करते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीएसई में, तो आप बताइए कि गहरे आपको उल्टा करके दे देगा ये, कि जो गहरे पैनल से कम प्रकाश अवशोषित होता है और समतल संरचना के पैनल से ज़्यादा प्रकाश अवशोषित होता है, तो कौन सा कथन सही है? ना तो एक ना तो दो, यहाँ कोई सही नहीं है। आपको उल्टा करके भी दे सकता है, आपको सही भी दे सकता है। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किससे, किस तरह के पैनल से कितना जो प्रकाश है वो अवशोषित होता है। डॉक्टर शुस्टर ने बताया कि हमारा डिज़ाइन सौर सेल के लिए अधिक प्रकाश अवशोषित करने के सभी प्रासंगिक पहलुओं को पूरा करता है। यह सरल और व्यावहारिक संरचनाओं को बनाने की बात करता है। यह डिज़ाइन सौर सेल को पतले लचीली सामग्री में जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए अधिकतर जगहों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का अधिक अवसर पैदा करता है। अध्ययन से पता चलता है कि डिज़ाइन सिद्धांत न केवल सौर सेल या एलईडी क्षेत्र में बल्कि शोर से बचने के लिए ढाल और हवा से ना टूटने वाले पैनल और ना फिसलने वाली सरफेस, बायोसेंसिंग एप्लीकेशन, परमाणु शीतलन जैसे उपयोगों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपने 2020 का पेपर दिया है और आपने 2019 का पेपर देखा होगा, तो उसमें इस तरह के टर्म्स से जुड़े हुए क्वेश्चन और किन किन चीज़ों में किसका उपयोग किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं और ये भी आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, बार बार मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक किस तरह आपके UPSC CSE 2021 आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है और ज़रूरी है। यदि हम पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो भी ज़रूरी है, और यदि हम टॉपिक के नज़रिए से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बेसिक नॉलेज भी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो डॉक्टर शुस्टर ने कहा कि इस सिद्धांत से हम अवशोषण सामग्री की समान मात्रा के साथ 10 गुना अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। 10 गुना पतली सौर सेल फोटोवोल्टिक को तेज़ी से बढ़ा सकती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि कर सकती है और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकती है। सिलिकॉन के कच्चे माल को संशोधित कर ऊर्जा सुचालकता को बढ़ाया जा सकता है। 10 गुना पतली सिलिकॉन सेल ना केवल आसानी से संशोधित हो जाती है, बल्कि इसमें खर्च भी कम होगा। इसलिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा जिसमें पर्यावरणीय जोखिम सबसे कम होगा। यहाँ पर्यावरणीय जोखिम की बात हो रही है और ये टॉपिक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके किसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी। और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे चैनल पर, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपके CSE 2021 की तैयारी से रिलेटेड है।